कंठ लंगोट। सॉरी कम अगेन। टंकन त्रुटि। टंकन त्रुटि। टंकन त्रुटि आपका पहला शब्द। टंकन ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, मैं भारती आपके साथ और आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। देखिए, आज है विश्व हिंदी दिवस और ऐसे में आप सभी जानते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आजकल की पीढ़ी कुछ ज्यादा घुसती जा रही है अंग्रेजी में। ऐसे में मैं जाने वाली हूँ बाहर लोगों के बीच और उनसे पता लगाने वाली हूँ कि आज के जमाने में भी उन्हें, हालांकि अंग्रेजी हम सबके बीच बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उन्हें कितना ज्ञान है हिंदी का, या फिर यूं कहें तो कितना ज्ञान नहीं है हिंदी का। आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द है कंठ लंगोट। कंठ लंगोट। तारे जमीन पर। दूध जल मिश्रित शक्कर युक्त पर्वतीय बूटी। मिल्क शुगर। ये पूरा और... मिला के एक शब्द है, ऐसी कुछ चीज होती नहीं। अच्छा मुझे बताइए, टंकन त्रुटि, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? शर्म नहीं आती? कंठ लंगोट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता। क ख आता है आपको पूरा? पूरे तो नहीं आते। अच्छा आप करते क्या हैं? जी अभी कुछ नहीं कर रहे हम तो। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते, बहुत अच्छे। कंठ लंगोट जी। दूध जल मिश्रित शक्कर युक्त पर्वतीय बूटी। हनी। नो, दूध जल मिश्रित। योगर्ट। नो, टंकन त्रुटि। भाई मारो मुझे। नहीं, आप मुझे बताइए लोहपत गामिनी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोहपत गामिनी, आई हैव नो आइडिया। मजाक हो रही है। कंठ लंगोट। सॉरी कम अगेन। I like it. कंठ लंगोट। कंठ लंगोट। आप उसे पहनती हैं? Like underwear. कंठ लंगोट। It's tie. दूध जल मिश्रित शक्कर युक्त पर्वतीय बूटी। दूध। दूध जल मिश्रित शक्कर युक्त पर्वतीय बूटी। चाय। वैसे हम लोग अभी तक इसको आइसक्रीम समझ रहे थे। टंकन त्रुटि। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। टंकन त्रुटि आपका पहला शब्द। टंकन ट्रुथ। कोई सेंसेस बात। टंकन त्रुटि। टंकन त्रुटि। सॉरी आई डोंट नो। अच्छा दूसरा शब्द है आपका अटालिका। 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 ट्राई कर रहा मतलब बिल्डिंग। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। लोहपत गामिनी। लोहपत गामिनी, ये तो बहुत, मैंने फिर फर्स्ट टाइम सुना है। लोहपत गामिनी, गाड़ी, ट्रेन, बस। और आज विश्व हिंदी दिवस के दिन मैं आप सभी से ये विनती करती हूँ कि अपने घर के बच्चों से लेकर अपने आस पड़ोस तक जितने भी लोग हैं उन्हें हिंदी का जितना ज्ञान आप दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं उतना ज़रूर लें। आखिरकार हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे बोलने में या इसे सीखने में हमें शर्माना नहीं चाहिए। तो इंस्टा फीड की तरफ से आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। InstaFeed.